दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवान धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने देर रात वीडियो जारी किया है, देशवासियों से सहयोग की अपील की है। और देखिए, देशवासियों से अपील की गई है, सहयोग की अपील की गई है। धरने पर बैठे पहलवानों ने देर रात वीडियो जारी किया है। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवान धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने देर रात वीडियो जारी किया है, देशवासियों से सहयोग की अपील की गई है। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवान धरना दे रहे हैं और ये वीडियो भी जारी किया गया है, देर रात का ये वीडियो है। और वीडियो जारी करते हुए सहयोग की अपील यहां पर की गई है। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा कि पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साथ ही खिलाड़ियों की तरफ से भी कहा गया था, इसमें विनेश फोगाट भी मौजूद रही थी, कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो धरना यूं ही जारी रहेगा। अरुण जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, फिलहाल खिलाड़ियों का धरना जारी है, क्या कुछ कहना है खिलाड़ियों का, क्योंकि देशवासियों से सहयोग की अपील करते हुए नजर आए हैं तमाम खिलाड़ी। अरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जो तमाम जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, वो आज फिर से एक बार धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर। उनका देशवासियों से भी यही अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा उनकी जो बात है वो आगे तक पहुंचाए, वो जनता से सहयोग की मांग कर रहे हैं। और साथ में जो उनके और अन्य पहलवान है वो भी आज यहाँ पे जंतर मंतर पे जुटना शुरू हो जाएंगे। उनका यही कहना है कि जो ब्रजभूषण है उनको जो है संस्था से हटाया जाए, जो उनकी पोस्ट है वहां से उनको हटाया जाए, क्योंकि जो अभी भी जो उनपे जो आरोप लगे थे उसके बावजूद वो निरंतर अपनी सीट पर बने हुए हैं, जो कार्य वो कर रहे हैं, ओपन जो है जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, जिसकी उनको जो नागवारा है वो नहीं चाहते कि एक बंदा जिस पर इस तरह के आरोप लगे हों, यौन शोषण के आरोप लगे हों, और वो अपनी जो है पोजीशन पर बना रहे और तमाम जो है कार्य वो संस्था के करता रहे, तो वो चीज उनको नहीं पसंद है। वो चाह रहे हैं कि इस चीज से उनको जो है इस्तीफा उनका जो है लिया जाए, उनको पद से हटाया जाए। और जो कमेटी है, कमेटी की तरफ से जो है रिपोर्ट आज भेज दी गई है। और जो उनका समय था, जो अनुराग ठाकुर से जो समय मांग रहे थे, वो अब भी मांग रहे हैं, वो अब भी चाह रहे हैं कि जो है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उनसे मिले, उनकी बात को समझे और जल्द से जल्द जो पूरा प्रकरण है इस पर जो है प्रतिक्रिया हो, इस पर जो है समाधान निकले। अरुण, बात की जाए तो हालांकि अब फिलहाल क्या कुछ अपील देशवासियों से की जा रही है, क्योंकि सहयोग की अपील यहां पर करते हुए नजर आए हैं, और आगे की अब फिलहाल तमाम खिलाड़ियों की रणनीति क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि उनका यही कहना है कि देशवासियों से भी यही अपील है कि हम अपने देश के सम्मान के लिए खेलते हैं, देश के लिए तिरंगा लाते हैं, और आज हम हमारे सम्मान की बात है तो आप अपने सम्मान के लिए, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका यही कहना है कि जो ब्रजभूषण है उनको उनके पद से हटाया जाए ताकि उनको इंसाफ मिले। जो सात जो पहलवान है जिन पर यौन शोषण किया गया है या जिनके साथ ऐसा काम हुआ है, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो भी दी गई है, FIR दर्ज नहीं हुई थी, जिसको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका यही है कि जल्द से जल्द पूरे जो है मामले पर कार्रवाई हो। बिल्कुल अरुण, बात की जाए तो इस मामले में खिलाड़ियों ने यह भी कहा है कि हमें 3 महीने हो गए हैं लेकिन हमारे मामले को गहनता से नहीं देखा जा रहा है, हमें FIR कराने के लिए आ गया है और FIR हमने जब कराई है तो पुलिस नहीं सुन रही है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है वो इस मामले को लगातार टालती आ रही है और 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने का जो वक्त है वो इस पूरे प्रकरण में बीत चुका है, क्योंकि 3 महीने पहले जो है यही पहलवान इसी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बैठे थे ब्रजभूषण के खिलाफ, जो जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, तो 3 महीने से लेकर अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, कमेटी से ये नाखुश है,
कमेटी द्वारा जो कार्रवाई की या फैसला किया गया उस पर भी नाखुश है। ये कमेटी इससे संतुष्ट नहीं है कि उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो कमेटी कार्य कर रही है, जो कमेटी बनाई गई है संगठित की, उनमें भी जो है राजनीतिक लोग भी शामिल है, तो उनसे वो संतुष्ट नहीं है कि जो आज तक उन्होंने अब तक का 3 महीने के अंदर जो भी उन्होंने किया उससे नाखुश है। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमें एक चीज और मैं बताऊं, इनसे यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनको काफी उम्मीदें हैं, वो न्याय करेंगे, हमें उन पर भरोसा है। तो देखना ये है कि इनको कब तक इंसाफ मिलता है और आगे इनकी जो लड़ाई है कहाँ तक जाती है। बिल्कुल अरुण, बात की जाए तो हालांकि खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण के नार्को टेस्ट की भी मांग की है, क्या लग रहा है ये मांग उनकी पूरी होगी, क्या ये टेस्ट करवाया जाएगा? देखिए जहाँ तक खिलाड़ी की बात करूँ, उन्होंने बिल्कुल ये बोला है कि जो ब्रिजभूषण सिंह है उन पर यौन शोषण के आरोप है, वो इसको नकारते रहे हैं, मगर खिलाड़ी को ये कहना है कि उनका नार्को टेस्ट कराया जाए जिससे ये साबित हो जाएगी कि जो उन पर आरोप लगे हैं वो सही है। तो नार्को टेस्ट की ये मांग है खिलाड़ियों की, और जहां तक मुझे लगता है कि इतना आसान तो नहीं होगा कि नार्को टेस्ट उनका हो। बाकी जो आगे की जो परिस्थिति बनेगी उस तरीके के, आज क्या उनसे दबाव बनता है सरकार पे, आज और खिलाड़ी जो है जीतेंगे इनके साथ, जो देशवासी है आम जनता भी इनसे सहानुभूति रखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारे देश के लिए खेल के हमारे लिए सम्मान लेके आते हैं, हमारे लिए एक गौरव का अनुभव कराते हैं, आज उन्हीं के सम्मान की जो बात है, तो आम लोग भी यहाँ पे जंतर मंतर पे जो है जरूर आएंगे, और जो इनके समर्थन में जो पहलवान है वो भी आएंगे। उसके बाद कितना सरकार पर दबाव बनता है या किस तरीके का भरोसा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिखा रहे हैं, उस पर अगर प्रधानमंत्री इनकी बात सुनते हैं और इनकी बात जायज मानते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट की बात आ जाए, मगर इतना आसान मुझे नहीं लगता कि बात संभव हो पाएगी। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है, सरकार ने कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए, हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं, अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए, प्लीज जंतर मंतर पे आइए और आप सभी के सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ मिल इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज़ उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो ज़रूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियाँ या रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए।